हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 28 वीडियो है और पार्ट 28 वीडियो में प्रश्नावली 4F पे है और क्वेश्चन नंबर है 25। कह रहा है यदि a बराबर में, यहाँ पे देखिए एक वर्ग अभी दिया है तीन कोटि का, तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए और a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो यहाँ देखो, ये जो a का मान दिया है ना, ये इस समीकरणों के एक्स वाई जेड के गुणांक दिख रहे हैं। ये जो समीकरण दिए गए हैं इन्हीं के एक्स वाई और जेड के गुणांक दिख रहे हैं। तो हम लोग इसे बनाने के लिए आव्यूह विधि से इसको हल करने के लिए समीकरण निकाय को हम लोग क्या मानते हैं, याद है आपको? a बराबर में मान लेते हैं क्या, एक्स वाई जेड के गुणांकों को, एक्स वाई जेड के गुणांकों को एक वर्ग आव्यूह के रूप में इसमें सजाएंगे। देखिए किस तरह से, तो x का गुणांक पहले वाले कॉलम में 2, 3, 1, y का गुणांक दूसरे वाले कॉलम में -3, 2, 1 और z का गुणांक तीसरे वाले कॉलम में, तो 5, -4, -2। देख रही है ना, 2, 3, 1, फिर आपका -3, 2, 1 और फिर 5, -4, -2। अच्छा, x बराबर में क्या लेते हैं, तो हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें लिखते हैं चरों को x, y, z। और b बराबर में क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट लेते हैं, वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में। तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे ये जो दिए गए हैं 11 -5 -3। तो देखो, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अभी विधि से बनाएंगे, तो a इनवर्स हमारा निकल के आएगा। हमें इसी का ना इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालना है, तो यही तो हमें दिख रहा है, इसका तो हम इनवर्स निकालेंगे ही ना। इसको हल करने के लिए इसका इनवर्स तो निकालना पड़ेगा अभी विधि से अगर बनाएंगे तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसे, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा, इसका इनवर्स भी निकल जाएगा और इनवर्स के मदद से हम लोग इस समीकरण निकाय का हल भी निकाल लेंगे, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो चलिए पहले इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं। 2 -3 5 3 2 -4, फिर आपका है यहाँ 1 1 -2। इसका डिटरमिनेंट बन देते हैं, पहले वाले रॉ के लेकर चलते हैं 2 लेंगे, यह रॉ यह कॉलम ढकेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो 2 -4 1 -2। फिर अगला लेते हैं, तो ये माइनस में होता है और यहाँ फिर -3 दिया हुआ है, इसलिए डबल माइनस लग गया। चलिए यह रॉ यह कॉलम हटाएंगे तो आपका आएगा 3 -4 1 -2, ठीक है। चलिए अगला एलिमेंट लेते हैं, प्लस का 5 है, तो यह रॉ यह कॉलम हटाएंगे तो इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो 3 2 1 1। चलिए देखते हैं 2 × में क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 और यहाँ +4, ठीक है। यहाँ +3 होगा, यहाँ -6 और +4, और यहाँ एक बीच में माइनस होता है और यहाँ भी -4 रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए +4 मैंने लिख दिया। 5 × में यहाँ 3 -2। चलिए देखते हैं 2 × 0, 3 × -2 और +5 × 1, तो यहाँ ये 0, यहाँ -6 और यहाँ +5, तो यानी -1 आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो a का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तब इसके इनवर्स का अस्तित्व होगा, और इनवर्स का अस्तित्व होगा तो हम लोग अब इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो C11। आपको इसके लिए मैंने साइन बता ही रखा है, ±++-++। चलिए ये प्लस में होता है, यह रो यह कॉलम हटाएंगे तो इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा, तो -4 और +4 यानी कि 0। C12, ये माइनस में होता है, देख रहे हैं ना, यह रो यह कॉलम हटाएंगे इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो हो जाएगा -6 और +4, तो अंदर -2 आएगा तो बाहर माइनस है, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। C13, ये प्लस का होता है, देखो इसके अकॉर्डिंग यह रो यह कॉलम हटाएंगे इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा 3 - 2 यानी कि 1। C21, ये माइनस में होता है, यह रो यह कॉलम हटाएंगे तो इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 - 5। देख लीजिए, माइनस का 3 - 2 गुना करेगा तो माइनस प्लस हो गया, 6 आ गया और यहाँ पे ये -5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो अंदर आएगा 1 और बाहर माइनस है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। C22, ये प्लस में होता है, देख रहे हैं, तो यह रहो यह कॉलम हटेंगे चारों कॉर्नर वाले का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो -4 - 5 यानी कि -9।
C33 ये माइनस में, C23 ये माइनस में होता है। यह रो यह कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट पहले, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा आपका 2 + 3, देख लीजिए 2 + 3 यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। C31 यह प्लस में होता है, यह रो यह कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट पहले, तो आपका आ जाएगा 12 - 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। C32 ये माइनस में होता है, यह रो यह कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो माइनस का 8 और माइनस का 15, देख लीजिए माइनस का 8 और माइनस का 15, यानी कि ये देखो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 23, बाहर माइनस है तो प्लस का 23 हो जाएगा, ठीक है। C33 ये प्लस में होता है, यह रहा यह कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और प्लस का 9 यानी कि 13 हो जाएगा, समझ गए। चलिए तो अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इन सभी को फैक्टर को सचा लो और उसका ट्रांसपोज निकाल लो। तो यहाँ है आपका 0, 2, 1 -1 - 9 -5 2, 23, 13 का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकालो। तो 0, 2, 1 -1 - 9 -5 यहाँ प्लस का 23 है और यहाँ पर 13 है प्लस का, ठीक है। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया तो हम लोग ए इनवर्स बराबर नहीं लिख सकते हैं, 1 by determinant of A into में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 by determinant of A का वैल्यू -1 है और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 0 - 1 - 2 - 9 - 23, ठीक है। फिर आपका 1 - 5 - 13 यही ना है, तो ये -1/-1 - 1 हुआ, अब माइनस में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो ए का इनवर्स हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 + 1 - 2, साइन बदल जाएगा सबका, ये -2 + 9 - 23 -1 + 5 - 13 यही ना हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। चलिए जब ए का इनवर्स निकल गया तो अब इसके मदद से हमें चरों का मान निकालना है, यानी कि समीकरण निकाय को हल करना था। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x बराबर में होता है a इनवर्स b, तो x का वैल्यू तो जो हम लोग माने थे ऊपर x y z एक कॉलम मैट्रिक्स लिए थे, और a का इनवर्स ये रहा, यहाँ पे रख देंगे 0, 1 - 2 - 2, 9 - 23 - 1, 5 - 13, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे b का वैल्यू, तो b का वैल्यू हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स है जो हमने शुरू में माना हुआ है, क्या माना हुआ है यहाँ पर, ये रहा 11 - 5 - 3, यह एक कॉलम मैट्रिक्स है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, x y z इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहले रो में पहले वाले कॉलम से, तो 0 माइनस का फिर हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 6, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से, तो माइनस का 22 माइनस का कितना हो जाएगा 45 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 69। चलिए अब थर्ड रो में थर्ड पहले कॉलम से करते हैं, तो माइनस का 11 माइनस का 25 और प्लस का 13 * 39 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड। चलिए देखते हैं यहाँ एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा 1, यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस का यह हो जाएगा 67 और प्लस का 69 है, तो 2 आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का यह 36 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस का 39 है तो 3 आ जाएगा। तो इनके संगतों को बराबर करो तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर में 3 हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, कह रहा है 4 किलोग्राम प्याज 3 किलोग्राम गेहूं 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 किलोग्राम प्याज 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपये है।
6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपये। तो अब यू विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम प्याज, 1 केजी प्याज का मूल्य है ना, 1 केजी प्याज का मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि X रुपए है, ठीक है। 1 केजी अगर उसके बाद कौन है, गेहूं है, गेहूं का मूल्य मान लेते हैं Y रुपए है, और 1 केजी अब क्या है, चावल है, 1 केजी चावल का मूल्य क्या है, Z रुपए है। तो समझो अब प्रश्न से, अब यहाँ से हम लोग पहले समीकरण तैयार कर लेते हैं प्रश्न से। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 किलो प्याज है तो 1 किलो का X रुपए, तो 4 किलो का 4 है, प्लस 3 केजी गेहूं है तो 3Y रुपए हो जाएगा उसका दाम, और 2 किलोग्राम चावल है तो 2Z हो जाएगा, और टोटल मिला के 60 रुपए, एक समीकरण हो गया। फिर दूसरा उसी तरह से आ जाएगा आपका, 2 किलोग्राम प्याज तो 2X, और फिर 4 किलोग्राम गेहूं तो 4Y, और आपका 6 किलोग्राम चावल तो 6Z, और टोटल मिला के 90 रुपये लग रहा है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर 6 किलोग्राम प्याज है, 6 किलोग्राम प्याज है यानी कि 6 रुपये, 6X लग जाएगा, ठीक है। फिर 2 किलोग्राम गेहूं है तो 2Y हो जाएगा, और 3 किलोग्राम चावल है तो 3Z हो जाएगा, टोटल मिला के फिर 70 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हमने समीकरण तैयार कर लिया, अब इसे हम लोग अवयविधि से हल कर सकते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अवयविधि से बनाना है, तो यहाँ मान लेंगे माना a बराबर में 3 कोटि का एक वर्ग अवयव लेंगे जो XYZ के गुणांक होंगे। तो x के गुणांक को पहले वाले कॉलम में 2, 4, 6, y के गुणांक को दूसरे वाले में 3, 4, 2, और z के गुणांक को तीसरे वाले कॉलम में 2, 6, 3। देख लीजिए 4, 2, 6, 3, 4, 2 और 2, 6, 3, ठीक है। x का वैल्यू तो जो इसमें चर है ना उनको एक कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेंगे XYZ। अच्छा, और b बराबर में तो जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ना उनको एक कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेंगे 60, 90, 70, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग इसका पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। 4, 3, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 3, इसका डिटरमिनेंट 4, 3, 2, 2, 6, 2, 4, 6 और 6, 2, 3, इसका हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू पहले निकालते हैं। तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर दे, 4 लेते हैं, यह आ रहा है, यह कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू 4, 6, 2, 3, फिर माइनस में ये होगा 3, तो ये माइनस में ये और ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 2, 6, 6, 3, 2, 6, 6, 3, और फिर प्लस में 2 ये लेंगे, यहाँ रहो यह कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू तो 2, 4, 6, 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं 4 × में, यहाँ पे 4 × 3 = 12 और माइनस का यहाँ 6 × 2 = 12 -3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6 और माइनस का 6 × 6 = 36, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए प्लस का 2 × में 4, माइनस का 6 × 6 = 24, तो यहाँ देखिए 4 × में 0, ठीक है। चलिए और -3 × में यहाँ पे माइनस का 30 और यहाँ 2 × में माइनस का 20 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ प्लस का 90 और यहाँ माइनस का 40 यानी कि 50 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। चलिए तो अब इसका इन्वर्स निकालने के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, और साइन तो आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और फिर आपका प्लस माइनस प्लस, ये ना होता है साइन। चलिए हम लोग निकालते हैं C11, यह है, यह रहा यह कॉलम हटाएंगे तो इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो तो 12 - 12 = 0, C12 ये माइनस में होता है, यह रहा यह कॉलम हटाएंगे इन चारों का डिटरमिनेंट पहले तो क्या आ जाएगा आपका 6 - 36 = 36 हो जाएगा, घटाएंगे तो -30, बाहर माइनस है तो प्लस का 30 हो जाएगा। C13 ये प्लस में होता है, यह रहा यह कॉलम हटाएंगे इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो तो 4 - 24 यानी कि माइनस का 20 आ जाएगा, समझ गए। C21 ये माइनस में होता है, देख लो यहाँ पे,
यहाँ और यह कॉलम हटेंगे तो इन चारों का डिटर्मिनेंट मिलेगा, तो 9 माइनस 4 अंदर 5 आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। C22 ये प्लस में होता है, यहाँ और यह कॉलम हटेंगे चारों कॉर्नर वाले का डिटर्मिनेंट बोलो तो 12 माइनस का 12 यानी कि 0। ठीक है चलिए अब देखते हैं C23, तो ये माइनस में होता है, देख लो यह रो यह कॉलम हटाएंगे तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इन चारों एलिमेंट का, ठीक है ये C23 लिए हैं तो ये रो यह कॉलम हटाएंगे तो इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा ना जी, तो यहाँ पे 4 × 2 = 8 और -6 × 3 = 18, तो यहाँ -10 आएगा बाहर माइनस है तो +10 हो जाएगा। C31 यह प्लस में होता है, देख रहे हैं यहाँ पे यह रो यह कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 3 = 18 और -8, ठीक है 3 × 6 = 18 हो जाएगा और -8 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है अब देखिए यहाँ पर अगला लेते हैं C32, तो यह माइनस में होता है, ये देख लो यहाँ पे यह रो यह कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 4 × 6 = 24 और -4, 4 × 6 = 24 और -4 तो अंदर 20 आ जाएगा तो बाहर माइनस है तो -2। C33 तो C33 ये प्लस में होता है, यह रहा यह कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आ जाएगा 16 और -6, 4 × 16 - 6 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में इन सभी को फैक्टर को सजा लो और उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 0 30 - 20 - 5 0 10 10 - 20 10 इसका ट्रांसपोज निकाल देना है, तो ट्रांसपोज निकालोगे तो 0 30 - 20 - 5 0 10 फिर आपका 10 - 20 और फिर आपका 10 यही ना आ जाएगा। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया, तो अब लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1 / determinant ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 0 - 5 10 30 0, या फिर फॉर्मूला पहले लिख देते हैं उसके बाद रखा जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, अब इसके बाद रखते हैं वैल्यू को, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 / determinant ऑफ ए का वैल्यू है आपका 50, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 50 ही आया है ऊपर। चलिए अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए ये जो है इसको रख देते हैं 0 - 5 10 फिर आपका 30 0 - 20, ठीक है 30 0 - 20 और फिर -20 10 10, ठीक है इसके बाद हमें फॉर्मूला पता है कि x बराबर में होता है a इनवर्स b, तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हमने एक कॉलम मैट्रिक्स लिया है वही ना है जी, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं x y z और a का इनवर्स ये रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/50 इंटू में मैट्रिक्स है आपका यहाँ पे 0 - 5 10 30 0 - 20 - 20 10 10 और इंटू में बी, तो बी का, तो बी का वैल्यू ऊपर आपका एक दिया हुआ है देख लीजिए यहाँ पे 60 90 70 60 90 70 60 90 70। चलिए अब एक काम करते हैं, देखो इसको आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड हम लोग इस वाले मैट्रिक्स से 5 कॉमन कर लेते हैं और इस वाले मैट्रिक्स से 10 कॉमन कर लेते हैं, इससे फायदा यह होगा कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ देखो हमने 5 कॉमन किया तो 0 - 1 यहाँ +2 5 कॉमन किया है यहाँ पे 5 6 बार में 30 0 - 4 5 से यहाँ -4 यहाँ 2 यहाँ 2 और इंटू में यहाँ पे हमने 10 को कॉमन किया है तो आपका 6 9 7 तो ये 50 50 कट जाएगा, 15 50 से ना होगा, चलिए कट गया पूरा ये। चलिए अब देखिए इसके बाद, नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे 5 से पहले काट दो 10 बार में फिर 10 से 10 काट दो, समझ तो गए ही। चलिए देखते हैं x y z इन दोनों में गुना करना है ना, हम लोग यहाँ पे अब गुना कर देते हैं, हम लोग गुना करेंगे पहले रो में पहले पहले कॉलम से तो 0 -
हो जाएगा आपका 9 और प्लस का 14। दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से तो 6 जाकर 36 प्लस 0 और फिर माइनस का 4 सते 28 हो जाएगा। फिर तीसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से तो माइनस का 24 और प्लस का 18 और प्लस का 14। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड यहाँ सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ घट जाएगा आपका, आ जाएगा 5। इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 32 होगा और 32 में से 24 को घटा देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 8। समझे, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर में इनके संगतों को बराबर करके 5, y बराबर में 8 और z बराबर में 8। यानी कि हम लोग x, y, z जो ऊपर माने थे, देखो 1 kg प्याज का मूल्य हम लोग x माने थे, 1 kg गेहूं का y और 1 kg चावल का मूल्य z माने थे, प्याज गेहूं चावल। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 kg प्याज का मूल्य 5 रुपये हो जाएगा, यानी प्रति केजी 5 रुपये के हिसाब से मिलेगा। 1 kg गेहूं का मूल्य 8 रुपये और 1 kg चावल का मूल्य, ये भी जेड था तो ये भी 8 रुपये हो जाएगा। तीनों का मान निकल गया, 5 रुपये, 8 रुपये और 8 रुपये। तो इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए वेबसाइट पे चले जाएंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।